लेसन 21 प्रिंटिंग। इस चैप्टर में हम अदर प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशंस जो कि हमारी वाउचर प्रिंटिंग, कॉलमनर रिपोर्ट्स, लेबल प्रिंटिंग या हमें कोई लेटर टेक्स्ट, एसटी फॉर्म रिमाइंडर्स ये सब करना है तो उसके बारे में जानेंगे, और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रिंटिंग के बारे में जानेंगे कि ऑनलाइन प्रिंटिंग क्या होती है और ऑफलाइन प्रिंटिंग क्या होती है। सबसे पहले हम अदर प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम वाउचर प्रिंटिंग, कॉलमनर रिपोर्ट्स, लेटर टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन और लेबल प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन में अकाउंट वाउचर प्रिंटिंग ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से आप वाउचर का अकाउंटिंग पार्ट जो आपको प्रिंट करना है वह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बेसिकली अकाउंट्स वाउचर की प्रिंटिंग जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वाउचर टाइप सिलेक्ट करेंगे और वेरियस ऑप्शंस अपनी नीड के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। यही ऑप्शंस हमने प्रीवियस चैप्टर में कॉन्फ़िगरिंग डॉक्यूमेंट में अच्छे से डिस्कस करी है। लोगो प्रिंट करना है, ऑप्शनल फील्ड्स प्रिंट करनी है, कंपनी का नाम, एड्रेस, हेडर में क्या आएगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देखिए हमने इसको कॉन्फ़िगर किया, हमने सेल्स वाउचर को मॉडिफाई मोड में ओपन करके प्रिंट किया। यहाँ पे हमने अकाउंट्स वाउचर सेलेक्ट किया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेलेक्ट किया और ये प्रीव्यू आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर किस तरीके से प्रिंट होगा। अभी हमने स्टैंडर्ड ऑप्शन डिस्कस करी, इसके बाद हम एडवांस ऑप्शन देखेंगे। ये भी सेम कंसेप्ट है जैसा हमने कॉन्फ़िगरिंग डॉक्यूमेंट्स में स्टैंडर्ड और एडवांस ऑप्शन में देखा था। यूजिंग एडवांस ऑप्शंस आप एडवांस सेटिंग्स बता सकते हैं बिल के लिए, हेडर, फुटर और बॉडी सेक्शन जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। टोटली कॉन्फ़िगरेबल है, बस ये अकाउंट वाउचर की प्रिंटिंग के लिए है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कॉलमनार रिपोर्ट्स का। कॉलमनार रिपोर्ट्स यूज करके आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डिटेल्स जो कि वेरियस रिपोर्ट्स में आपको डिस्प्ले या प्रिंट करानी है। ये रिपोर्ट्स आपकी जैसे अकाउंट रजिस्टर है, इन्वेंट्री रजिस्टर, कैश बैंक बुक, इन सबको जब आप डिस्प्ले या प्रिंटिंग में ओपन करेंगे तो एज इट इज कॉलम्स नजर आएंगे जो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम यहाँ पे अकाउंट्स रजिस्टर डिस्कस करेंगे। अकाउंट्स रजिस्टर सेलेक्ट करते ही हमने सेल्स रजिस्टर ऑप्शन लिया। हेडर, बॉडी, फुटर को आप अलग अलग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बॉडी बटन पे क्लिक करते ही देखिए कॉन्फ़िगर सेल्स रजिस्टर बॉडी विंडो अपेयर हुई। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो शो कर रहा है कि कौन कौन से कॉलम्स अभी आपके कॉन्फ़िगर्ड हैं जो स्क्रीन पर आएंगे। इसके अलावा यदि आपको कोई कॉलम चाहिए तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जितने कॉलम्स अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो आप जब अकाउंट रजिस्टर्स को कॉलमनार फॉर्मेट में, देखिए डिस्प्ले अकाउंट रजिस्टर कॉलमनार सेल्स रजिस्टर जब हमने ओपन किया, फॉर्मेट सेलेक्ट किया, जो फॉर्मेट अभी हमने बनाया है, ये रिपोर्ट स्क्रीन पे अपीयर हुई। देखिए जो जो कॉलम्स थे वही वही कॉलम्स आपको यहाँ स्क्रीन पे नजर आ गए। बिल डेट, पार्टी नेम, क्वांटिटी का कॉलम हमने ऐड किया, ऐसे जो भी कोई और कॉलम आपको चाहिए तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर लेटर टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। लेटर टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन यूज करके आप वेरियस फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हैं अपने बिजनेस लेटर्स के लिए। जैसे आपको किसी को कोई पेमेंट रिमाइंडर सेंड करना है तो उसके लिए आप फॉर्मेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एसटी फॉर्म्स का रिमाइंडर सेंड करना है आपको, उसके लिए आप फॉर्मेट जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट, इन सब के लिए आप फॉर्मेट यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पेमेंट रिमाइंडर के लिए एक फॉर्मेट कॉन्फ़िगर किया। बिजी ने हमसे पूछा कि हमें बैलेंस ओनली या पेंडिंग बिल्स के लिए किसके लिए आपको ये फॉर्मेट कॉन्फ़िगर करना है। हमने बैलेंस ओनली ऑप्शन सेलेक्ट करी, इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट को कॉन्फ़िगर किया। अब हम प्रिंटिंग में आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में जाके पेमेंट रिमाइंडर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप ऑल पार्टीज को अगर पेमेंट रिमाइंडर सेंड करना चाहते हैं बैलेंसेज ओनली के लिए, और उसके बाद यहाँ पे आप अमाउंट भी डिफाइन कर सकते हैं कि किन किन पार्टीज का बैलेंस यदि इससे ज़्यादा है या इससे कम है या इक्वल है उनको ये मैसेज भेजना है, तो ये भी आप फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया यहाँ बता सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली ये स्क्रीन पे आप मैसेज नज़र आ रहे हैं, ये मैसेज जो है आप अपने पार्टीज को सेंड कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और सेंड कर सकते हैं पार्टीज को कि इतना बैलेंस अमाउंट उनको अभी पे करना है। तो इस तरीके से पेमेंट रिमाइंडर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सिमिलरली कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट, एसटी फॉर्म्स का रिमाइंडर है, ये सब आप इस ऑप्शन को यूज़ करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है लेबल प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन की, जिसे यूज करके आप अपनी पार्टीज और अपनी आइटम्स के लिए अलग अलग लेबल्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपनी आइटम्स के ऊपर कुछ लेबल्स लगाना चाहते हैं, छोटे से स्टिकर्स बेसिकली, तो वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि वो कितने साइज के हों, कितनी नंबर ऑफ लेबल्स आपको एक रो में चाहिए हैं, क्या डिटेल्स उसमें प्रिंट करानी है, इस तरीके से आप उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और लोड डिफॉल्ट बटन यूज करके आप डिफॉल्ट सेटिंग्स भी यूज कर सकते हैं लेबल की प्रिंटिंग के लिए। देखिए यहाँ पे हमने पहले अकाउंट्स लेबल को कॉन्फ़िगर किया, अब हमने आइटम लेबल के लिए एक फॉर्मेट बनाया आइटम फॉर्मेट के नाम से। इसको यदि हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमने कॉन्फ़िगर किया, ऑल डी बटन यूज करके, शॉर्टकट की यूज करके सिलेक्ट किया, तो यहाँ आइटम का MRP ले रखा है। यदि आप कोई और फील्ड भी लेना चाहते हैं तो यहाँ से फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने कहा आइटम का नाम और उसका MRP जो है लेबल पे प्रिंट हो जाए। इस कॉन्फ़िगरेशन को अब हम सेव करेंगे। अब आप प्रिंटिंग में प्रिंट यूटिलिटीज ऑप्शन यूज करके अकाउंट लेबल और आइटम लेबल प्रिंट कर सकते हैं। देखिए हम आइटम लेबल पे गए, हमने कहा कुछ सिलेक्टेड आइटम्स के लिए हमें ये लेबल्स प्रिंट करने हैं। आइटम सिलेक्ट करी, फॉर्मेट सिलेक्ट किया, तो ये आप प्रीव्यू में देख सकते हैं आइटम का नाम और उसका MRP स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप लेबल्स का प्रिंट आउट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रिंटिंग का। ऑनलाइन प्रिंटिंग रेफर्स करती है प्रिंटिंग को जब आपने एज सून एज कोई बिल एंटर किया, उसको सेव किया और उसका प्रिंट आउट ले लिया। ऑफलाइन प्रिंटिंग यदि आप बल्क में वाउचर्स को प्रिंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स के केस में ऑब्वियसली आप साथ के साथ ही बिल को प्रिंट करेंगे वाउचर एंटर करते ही, लेकिन आपने यदि कोई परचेजेस हो रही हैं कुछ है तो वो बल्क में आप एंट्री कर सकते हैं। बेसिकली आपने वाउचर्स एंटर कर लिए, एट द एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ द वीक आपने सारे प्रिंट आउट्स इकट्ठे ले लिए, उसे हम ऑफलाइन कहते हैं। ऑनलाइन प्रिंटिंग की यदि हम बात करें तो यहाँ स्क्रीन पे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि हमने एक सेल्स वाउचर एंटर किया, कैश का बिल है, पार्टी की डिटेल्स हमने इसमें एंटर करी है, मेंबरशिप नंबर वगैरह जो भी आपने सेल्स वाउचर में कॉन्फ़िगर किया हुआ था, नॉर्मल हमने एक सेल वाउचर एंटर किया है। इस वाउचर को अब हम सेव करेंगे। सेव करते ही बिजी ने हमसे इसको प्रिंट करने के लिए पूछा। यही हाथ के हाथ जब हमने इस वाउचर को प्रिंट कर लिया तो यह हमारा ऑनलाइन प्रिंटिंग कहलाता है। बेसिकली कोई कस्टमर आपकी शॉप पे आया है तो ऑब्वियसली उसने पेमेंट करी है, तो आप वहीं पे प्रिंट निकाल के उस कस्टमर को उसकी कॉपी प्रोवाइड कर देंगे। तो यह तो है हमारा ऑनलाइन प्रिंटिंग। इसके बाद हम बात करते हैं ऑफलाइन प्रिंटिंग की। ऑफलाइन प्रिंटिंग के लिए आप प्रिंटिंग मेन्यू में जाके प्रिंट यूटिलिटीज ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए डॉक्यूमेंट्स, इन्वेंटरी वाउचर, अकाउंट्स वाउचर आप प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स में गए, हमने यहाँ पे सेल्स इनवॉइस प्रिंट करना चाहा, ऑल पार्टीज के लिए लिया, फॉर्मेट बताया, डेट रेंज बताई कि इस दिन के सारे बिल्स जो हैं हमें प्रिंट करने हैं। यहाँ पे हम प्रीव्यू देख सकते हैं स्क्रीन पे, हमने स्लिप फॉर्मेट में बेसिकली इसका प्रीव्यू देखा है। ये भी हमारा एक फॉर्मेट है स्लिप फॉर्मेट, छोटे स्लिप पे यदि आप प्रिंट चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने डॉक्यूमेंट्स में ही पेमेंट एडवाइस प्रिंट करी कि हमने जिन जिन पार्टीज को पेमेंट करी है उनका हम प्रिंट देखना चाहते हैं। हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको प्रीव्यू किया। नेक्स्ट है आपके इन्वेंटरी वाउचर्स, इन्वेंटरी वाउचर्स आप प्रिंट करना चाहते हैं, हमने यहाँ परचेज का एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे आप प्रीव्यू स्क्रीन पे देख सकते हैं जितनी भी आपकी परचेजेस होंगी विद इन दैट रेंज वो सारी आपकी प्रिंट हो जाएंगी। नेक्स्ट इज अकाउंट्स वाउचर। अकाउंट्स वाउचर यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो वो आप ये ऑप्शन यूज करके प्रिंट कर सकते हैं। देन इज योर आइटम लेबल, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया आइटम लेबल यदि आपको प्रिंट करने हैं, आइटम्स हमने सिलेक्ट करी यहाँ से जिन जिन आइटम्स का हमें लेबल्स प्रिंट करने हैं, हमने फॉर्मेट सिलेक्ट किया, देखिए आपको ध्यान होगा वही फॉर्मेट है अभी पहले हमने लेबल प्रिंटिंग में इसको डिस्कस किया था, तो स्क्रीन पे आपको आइटम लेबल्स जो है नजर आ गए। सिमिलरली आप अपनी पार्टीज के लिए कुछ लेबल्स प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि जितने भी आपके क्रेडिटर्स हैं या डेटर्स हैं उनके नेम्स आप विद एड्रेस प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो आप करा सकते हैं। जिन जिन पार्टीज का एड्रेस एंटर्ड होगा वो यहाँ स्क्रीन पे आपको नजर आ जाएगा। इसके बाद है आपका प्राइस लिस्ट, यदि आप अपनी आइटम्स की प्राइस लिस्ट देखना चाहते हैं या उसका प्रिंट किसी को देना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है कि आप सेल प्राइस प्रिंट करना चाहते हैं या MRP, हमने सेल प्राइस लिया, तो जितनी भी आपकी आइटम्स थी सबका जो सेल प्राइस है वो स्क्रीन पे आपको नजर आ गया, आप इसका प्रिंट अपने कस्टमर्स को या किसी भी डीलर को आप दे सकते हैं। नेक्स्ट इज डिपॉजिट स्लिप,
आप डिपॉजिट स्लिप्स प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, बिजी ने हमें रिसिप्ट वाउचर्स शो करे। जिस वाउचर के लिए आपको इसे प्रिंट करना है उसे सिलेक्ट करिए, आप एक से ज़्यादा भी वाउचर सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने ये वाउचर सिलेक्ट किया और इसकी ये डिपॉजिट स्लिप की कितना पैसा आपने दिया है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ गया। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली प्रिंटिंग कन्फिगर कर पाएंगे, अकाउंट्स वाउचर प्रिंटिंग, लेटर टेक्स्ट कन्फिग्रेशन, लेबल प्रिंटिंग, कॉलमनार रिपोर्ट्स, ये सब आप बिजी में कन्फिगर कर पाएंगे एंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रिंटिंग का कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम क्लियर हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको चैप्टर दोबारा व्यू करना पड़ेगा। देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।